प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर के चुमुकेदमा में सार्वजनिक रैली में लिया हिस्सा। नागालैंड में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य हमारे लिए अष्ट लक्ष्मी, कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, नागालैंड में बोले पीएम मोदी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा डिजिटल भुगतान तंत्र ने शासन, वित्तीय समावेशन और जीवन को आसान बनाने में मौलिक रूप से किया परिवर्तन। पीएम मोदी ने शिलांग में किया रोड शो, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने शिलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं। पीएम मोदी बोले वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश का कोना कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में की पूजा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बेंगलुरु में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा को लेकर पटना और पश्चिम चंपारण में हाई अलर्ट किया गया जारी, 25 फरवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में सिख समुदाय किसान सभा में लिया हिस्सा। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान के लिए जमीन पर परिवर्तन लाने का काम किया है। जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी ने 1,20,00,000 किसानों के मामले को सेटल किया। एस जयशंकर का पाकिस्तान पर निशाना, कहा पाकिस्तान में जो हालात उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के भाटापारा में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मुझे उम्मीद है कि 2047 तक हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना अभियान आज से शुरू, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुई शुरुआत। एमसीडी पार्षद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका, बीजेपी में हुए शामिल। एमसीडी के स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों ने हाउस में की नारेबाजी। कांग्रेस कार्य समिति के लिए नहीं होंगे चुनाव, स्टीयरिंग कमेटी में लिया गया फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे सीडब्ल्यूसी सदस्य। यूपी में किसानों को सीएम योगी सरकार का खास तोहफा, यूपी में किसानों को बिजली बिल पर 100% दी गई छूट। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नए नियुक्त शिक्षकों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिया नियुक्ति पत्र।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे में कस्बा पेठ उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने के समर्थन में किया रोड शो। पीएम मोदी की तारीफ तो गदगद हुए नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजीन इमना ने ट्विटर पर अपनी खुशी की जाहिर, लिखा गुरुजी ने बोल दिया बस हम तो धन्य हो गए। कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता येदुरप्पा ने एक्टिव पॉलिटिक्स से लिया संन्यास। येदुरप्पा ने कहा कि बीजेपी के लिए मरते दम तक करेंगे काम। अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर भारी पुलिस बल की गई तैनात। वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने कल पुलिस स्टेशन के बाहर किया था हंगामा। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा कि खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया स्टैनफोर्ड में आयोजित द इंडिया डायलॉग सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए शामिल। संजय राउत के खिलाफ बीड सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे को बदनाम करने का आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून पारित कराने के समर्थन में चंपावत में आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में लिया भाग। YSRCP सांसद अविनाश रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या से जुड़े 4 साल पुराने मामले में पूछताछ के लिए हैदराबाद के सीबीआई कार्यालय पहुंचे। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारन को बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की ईडी कस्टडी 2 दिन और बढ़ाई। सुकेश मामले में फिल्म निर्माता करीम मोरानी को ईडी ने भेजा समन। पंजाब के अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत तूफान की रिहाई का दिया आदेश। गिरफ्तारी को लेकर कल हुआ था हंगामा। एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें अधिकारी, दिल्ली सरकार ने दिए निर्देश। भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने बजट सत्र को मंजूरी देने से किया इनकार। मेघालय के सीएम संगमा ने कहा कि दूसरी बार बनाएंगे सरकार, अभी से लगाने लगे हैं जीत के अनुमान। मेघालय में 27 फरवरी को होने हैं विधानसभा चुनाव। रात करीब 3 बजे नोएडा के सेक्टर 138 में झुग्गियों में लगी आग, करीब 30 झुग्गियां जलकर राख। राजस्थान के गजेंद्र पहलवान को जिम के बाहर 6 से 7 लोगों ने मारी गोली। गजेंद्र का कराया जा रहा इलाज। घटनास्थल के फुटेज के आधार पर हमलावरों की जा रही पहचान। अयोध्या में अवैध बिल्डिंग पर विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। प्राधिकरण के चेयरमैन कमिश्नर कोर्ट से फैसले के बाद की गई कार्रवाई। शादी समारोह में बच्चे ने उड़ाया दुल्हन के पास बैठी महिला का नोटों से भरा पर्स। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की लाइव तस्वीर। खेत में छत विछत अवस्था में पड़ा मिला लड़की का शव। एक दिन पहले लड़की के पिता ने पुलिस को दी थी गायब होने की सूचना। पिता ने युवक पर लगाया था भगा ले जाने का आरोप। रायबरेली के गदागंज में घर में लगी भीषण आग। घर में रखा सामान जलकर हुआ राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। स्कूल से घर जा रहे मासूम बच्चे को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर, बच्चे की मौके पर मौत। बुलंदशहर में 2 बेटों ने पीट पीट कर की पिता को की हत्या। घरेलू कलह बनी हत्या की वजह। एक बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने और सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के बाद रायबरेली में 3 दिवसीय यूपी नंबर 1 प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मुंबई के भायखला जेल के बाहर तैनात पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही महिला की बाल बाल बची जान, समय रहते सीआरपीएफ पुलिस ने महिला को बचाया। मुंबई के बोरीवली में पुलिस ने 2 शातिर रिक्शा चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 4 रिक्शे किए बरामद। नवी मुंबई में पुलिस ने करीब 22 लाख रुपए का मेथाक्यूलीन ड्रग्स किया बरामद, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संजय राउत के खिलाफ मगा थाने में विरोध प्रदर्शन, संजय राउत की पोस्टर पर महिलाओं ने जूते चप्पलों से की पिटाई, राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। यूपी के सांगली क्राइम ब्रांच ने 102 किलो गांजा समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा पर वार पलटवार जारी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। एमपी के डिंडोरी जिले में भर्ती मरीज से मिलने आए रिश्तेदार ने मरीजों के सामने ही खुद पर पेट्रोल डालकर की आग लगाने की कोशिश, वार्ड में मचा हड़कंप। एमपी को मदिरा प्रदेश कहने वाले कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान की बीजेपी ने की निंदा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने कहा कि प्रदेश की जनता जरूर देगी जवाब। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गांजा तस्करी करते पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने 21 किलो गांजा किया बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हज करने के नाम पर करीब 300 लोगों से की गई ठगी, टूर एंड ट्रेवल्स संचालक इमरान पर 10 करोड़ से अधिक की ठगी करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नकली नोट की खपत करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई, 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट को बाजारों में खपाने की थी योजना। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो हुई क्षतिग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त 2 बारातियों की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरजपुर के विश्रामपुर में ट्रक चोरी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में 2 युवकों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, बाइक की टक्कर से 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद जिला कोर्ट ने 29 साल पुराने मामले में 2 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दोषियों ने डकैती के दौरान की थी 4 लोगों की हत्या। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी के 5 पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग। लखनऊ के काकोरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पंजाब में परीक्षा से 1.5 घंटे पहले 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर रद्द, परीक्षा केंद्रों में पहुंच चुके थे विद्यार्थी, प्रशासनिक कारणों के चलते रद्द की गई परीक्षा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। गाजियाबाद के राठी मिल थर्माकोल फैक्ट्री में अचानक लगी आग, आग ने विकराल रूप किया धारण, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। पवन खेड़ा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का तंज, कहा आरोपी ने बिना शर्त माफी मांग ली है। बिहार के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को दी स्वीकृति, अब मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू, 5 मार्च तक चलेगा मूल्यांकन। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 1 मार्च को भारत आएंगे, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। पूर्व ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने कहा कि भारत दे सकता है दुनिया को दिशा, सुनी जाती है उसकी आवाज। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि डिलीवरी संबंधित जटिलताओं की वजह से हर 2 मिनट में एक महिला की होती है मौत। वेनेजुएला की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। चीनी जासूसी गुब्बारे को मारने से पहले अमेरिकी पायलट ने ली थी सेल्फी, पेंटागन ने जारी की तस्वीर। कंगाल पाकिस्तान की मदद करने को राजी हुआ चीन, 70 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर, अगले हफ्ते तक मिल सकता है पैसा। संयुक्त राष्ट्र में गांधीवादी विचार और दर्शन पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा भारत, दुनिया भर के राजनयिक लेंगे भाग। जन्म दर गिरने से चीन की बढ़ी चिंता, नवविवाहितों को जन्म दर बढ़ाने के लिए मिल रही 30 दिनों की छुट्टी। इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के लगे तेज झटके, रिएक्टर पैमाने पर 6.3 रही तीव्रता। टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 47,000 के पार, कुछ जगहों पर अभी बचाव अभियान जारी। रशिया यूक्रेन वॉर पर यूएनजीए में वोटिंग प्रक्रिया से भारत ने बनाई दूरी, भारत इससे पहले भी यूक्रेन युद्ध पर लाए गए कई प्रस्तावों से बना चुका है दूरी। भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी के नामांकन की हुई पुष्टि, 28 फरवरी को होगा मतदान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के आक्रमण की पहली वर्षगांठ पर लोगों को किया संबोधित, कहा हम सभी को हरा देंगे। रूस यूक्रेन जंग पर चीन ने पेश किया शांति प्रस्ताव, कहा युद्ध से किसी को फायदा नहीं। विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को किया नामांकित, अभी विश्व बैंक के निदेशक मंडल के तरफ से पुष्टि करना बाकी। अफगान पाकिस्तान सीमा क्रॉसिंग को खोलने के कुछ देर बाद फिर से किया गया बंद। पाकिस्तान के सिंध में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण, पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप। परमाणु बम में काम आने वाले यूरेनियम के करीब पहुंचा ईरान, 84% समृद्ध यूरेनियम का लगा पता। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए भेजा गया रूसी सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान, सितंबर में मिशन पूरा होने की उम्मीद। उत्तर कोरिया ने 4 क्रूज मिसाइलों का किया परीक्षण, दिखाई परमाणु हमला करने की क्षमता। ऑस्ट्रेलिया को लगा करारा झटका, तीसरे टेस्ट से पहले कप्तान पैट कमिंस हुए बाहर, स्टीव स्मिथ करेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून ग्रीन की होगी वापसी, भारत के खिलाफ इंदौर टेस्ट में खेलते आएंगे नजर, 1 मार्च से दोनों देशों के बीच होना है तीसरा मुकाबला। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने विनोद कांबली को 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, टेस्ट करियर की शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। बाबर आजम ने दिखाया बल्ला तो बचकर भागे हसन अली, PSL मुकाबले में दिखा दिलचस्प नजारा। एक्ट्रेस श्रीदेवी की 5वीं पुण्यतिथि आज, पति बोनी कपूर ने ट्वीट कर किया याद, शेयर की पत्नी की आखिरी तस्वीर। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता छोड़ने का लिया फैसला, भारतीय पासपोर्ट के लिए दी अर्जी।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पत्नी आलिया ने दर्ज कराई रेप की शिकायत, लगाए कई गंभीर आरोप। और वेब सीरीज रिलीज से पहले नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान, कहा मुगलों ने बुरा किया तो गिरा दो ताजमहल लाल किला। नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड जल्द होने वाली है रिलीज।